दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक टैली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और एक अकाउंटिंग से रिलेटेड एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसका जवाब थोड़ा सा एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए, या हम यूं कह सकते हैं एक नए टैली ऑपरेटर के लिए देना थोड़ा सा मुश्किल का काम है। तो दोस्तों, आज का ये जो क्वेश्चन है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे इसी यूट्यूब चैनल के एक व्यूवर्स को पूछा गया था, जब उन्होंने कंपनी में इंटरव्यू देने गए थे अकाउंटिंग जॉब के लिए, तब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। भी उनसे क्वेश्चन ये था भी आपको इस वाउचर में से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में ट्रेडिंग लेजर तैयार करने हैं, यानी कि ट्रेडिंग लेजर है जो क्रिएट करने हैं इस वाउचर को देख के। तो दोस्तों, जो टैली ऑपरेटर होते हैं, यानी कि जो केवल टैली सॉफ्टवेयर को सीखते हैं, तो वो हर टाइप की एंट्री कर लेते हैं। परचेज वाउचर में भी एंट्री करते हैं, सेल वाउचर में भी करते हैं, पेमेंट रिसिप्ट, बैंकिंग या कॉन्ट्रा से रिलेटेड या जर्नल वाउचर में सभी टाइप की एंट्रियाँ कर लेते हैं। परचेज वाउचर की भी एंट्री कर लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट है जो मतलब इनकी जो ट्रेडिंग लेजर है वो ट्रेडिंग लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अब उनको ये नहीं पता भी ट्रेडिंग लेजर होता क्या है और उनको कहाँ पर देखा जा सकता है, और जो ट्रेडिंग लेजर बनता है उसका ग्रुप सिलेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में इसी वाउचर की प्रैक्टिकल एंट्री करके बताऊंगा, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इस टाइप के वाउचर की एंट्री में ट्रेडिंग लेजर किस तरीके से बनते हैं और उसको हम वन टाइम कहां पर देख सकते हैं और उनका ग्रुप सिलेक्शन क्या होगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस टाइप का क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है, अगर ना भी पूछा जाए तो भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन की जानकारी होनी जरूरी है अगर आप इसे अकाउंटिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो, टैली सॉफ्टवेयर के नए ऑपरेटर हो, तो इस वीडियो को आपको एंड तक कंप्लीट जरूर देखना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहन सुथार, और स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमने कंपनी क्रिएट कर ली है, लेकिन अभी तक किसी भी टाइप की वाउचर एंट्री हमने नहीं करी है। जो वाउचर की एंट्री करेंगे वो हम इस वाउचर को देख के करेंगे और बिल्कुल आपके सामने लाइव रहने वाली है। तो दोस्तों, जो हमारी कंपनी का नाम है स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, तो अब एक बात तो तय होगी भी इस वाउचर को देख के, जो हमारी ये जो वाउचर है ये हमारे लिए परचेज वाउचर बनने वाला है, क्योंकि हमारी जो कंपनी का जो नाम है वो बिल टू में आ रहा है, यानी कि कस्टमर नेम की जगह पर ये नाम हमारी कंपनी का आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया भी ये हमारी, हमने विजय ट्रेडिंग कंपनी से परचेज किए हैं ये प्रोडक्ट। तो इसकी वाउचर की एंट्री हमें हमारे टैली सॉफ्टवेयर में परचेज वाउचर में करनी होगी। तो इसके लिए हम जाएंगे वाउचर पर, और वाउचर पर जाने के बाद हमें F9 यानी कि परचेज वाउचर को ओपन करना होगा, और यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका इनवॉइस नंबर लिखना होता है। तो जो इस वाउचर का इनवॉइस नंबर 324 का है, तो 324 हम डालेंगे 324, और जो डेट है वाउचर की वो 1 अगस्त 2021 ही है। तो अब पार्टी अकाउंट नेम, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे विजय ट्रेडिंग कंपनी को, और उसके बाद में नेम ऑफ आइटम यानी कि जो प्रोडक्ट हमने परचेज किए हैं, तो प्रोडक्ट LED बल्ब 25 वाट, क्वान्टिटी है जो 24 पीस है, एक का जो रेट है 176 है। तो उसके बाद में ये जो प्रोडक्ट है GST 12% का परचेज है, तो हमने GST 12% का परचेज लेजर हमने क्रिएट कर लिया है, और इसको परचेज टैक्सेबल में रखेंगे। इस तरीके जो सेकंड जो आइटम है 5 वाट की है, क्वांटिटी है इसकी 75 पीस, और 87 इसका प्राइस है, तो ये भी GST 12% का प्रोडक्ट है, तो 12% परचेज में जाएगा। और उसके बाद में 400 mm गरे का, और क्वांटिटी इसकी 14 पीस, और एक का जो रेट है 1157.02 रुपये, और ये जो हमारा GST 18% का प्रोडक्ट है, तो हमने इसको परचेज 18% में सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम इस वाउचर की एंट्री इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एंट्री करने के बाद प्रॉपर सही तरीके से पता लग सके भी हमने ट्रेडिंग लेजर कहाँ पर क्रिएट करने होते हैं। और उसके बाद में मिनी फोर्स कि जो क्वांटिटी है वो 20 पीस, और इसका जो टैक्सेबल रेट 3360 रुपये पर पीस का, और ये GST 12% का प्रोडक्ट है, तो हम इसको रखेंगे परचेज टैक्सेबल में। और फाइनल जो हमारा पास प्रोडक्ट है 9 वाट का, क्वांटिटी 37 और रेट 114 रुपये,
और ये भी जीएसटी 12% का परचेज है, तो हम इसको रखेंगे परचेज टैक्सेबल में। तो ये हमारी जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद में हमें टैक्स लगाना है यहाँ पे सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स। तो अब यहाँ पर देख रहे हो आप इसकी जो टोटल वैल्यू बन गई इनवॉइस की वो 111,141 रुपये है, और इस वाउचर का जो भी टोटल है वो भी 111,141 रुपये, यानी कि हमने परचेज लेजर की एंट्री है जो हमने कंप्लीट कर दिया है टेली सॉफ्टवेयर में, और इस वाउचर को हम करते हैं सेव और उसके बाद में एक्सेप्ट। तो ये तो था सिंपल तरीके से जैसे अमूमन हम नॉर्मली परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं। तो अब बात आती है उस क्वेश्चन की, क्वेश्चन था भी आपको ट्रेडिंग लेजर बनाने हैं इस वाउचर को देख के। तो दोस्तों जब हमने परचेज वाउचर की एंट्री कर दी तो जाहिर सी बात है ट्रेडिंग के लेजर भी साथ के साथ क्रिएट हो गए, क्योंकि अगर आपने टेली सॉफ्टवेयर में अगर आप ट्रेडिंग के लेजर नहीं बनाओगे तो ये इस वाउचर की एंट्री आप टेली सॉफ्टवेयर में नहीं कर पाओगे। तो अब बात आती है भी वो ट्रेडिंग के लेजर कहाँ बन गए। तो दोस्तों सबसे पहले हम उसी वाउचर को एक बार हम ओपन करते हैं, तो डे बुक पर जाएंगे और इसी वाउचर को हम ओपन करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो मैंने नॉर्मली यहाँ पर इनवॉइस का नंबर डाला, सप्लायर का इनवॉइस नंबर हमने डाल दिया और उसके बाद में यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम आता है। तो अब हमने यहाँ पर ये विजय ट्रेडिंग कंपनी का एक लेजर बनाया, और ये विजय ट्रेडिंग कंपनी का जो लेजर हमने बनाया वो अंडर इसका जो ग्रुप रखा वो सेंट्रिक क्रेडिटर में रखा, क्योंकि ये हमारे लिए सप्लायर है, हम इससे गुड्स परचेज करते हैं, तो ये जाहिर सी बात है सेंट्रिक क्रेडिटर के ग्रुप में रहेगा। उसके बाद में ये स्टॉक आइटम है, क्वांटिटी डाली, रेट हमने डाला, अमाउंट ऑटोमेटिक आ गई, और उसके बाद में जब हम यहाँ पर परचेज का जो लेजर सेलेक्ट करते हैं, चाहे आपकी वो टैक्स फ्री की परचेज है, चाहे वो जीएसटी 5% की परचेज है, 12 की है, 18 की है या फिर 28 की है। तो दोस्तों ये हमने जो लेजर यहाँ पर बनाया है इलेक्ट्रिकल गुड जीएसटी 12% परचेज का, हम इसको एक बार मॉडिफाई करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से ये लेजर हमने बनाया, नाम हमने ये दिया इलेक्ट्रिकल गुड जीएसटी 12% परचेज, और इसका अंडर जो सिलेक्शन रखा वो परचेज अकाउंट में रखा। तो दोस्तों यही ट्रेडिंग लेजर होते हैं टेली सॉफ्टवेयर में, जब हम वाउचर की एंट्री करते हैं, जब हम परचेज का लेजर हम क्रिएट करते हैं और उसका ग्रुप अगर हम परचेज अकाउंट रखते हैं तो वो ट्रेडिंग लेजर की कैटेगरी में आता है। तो मान लीजिए अब आप मैंने जैसे यहाँ पर इसका जो नाम दिया हुआ वो इलेक्ट्रिकल गुड जीएसटी 12% परचेज कर दिया हुआ है, ये मैंने कॉमोडिटी के अकॉर्डिंग इसका नाम दे दिया। अब मान लीजिए आपने नॉर्मली लेजर बना दिया जीएसटी 12% परचेज का और उसको आपने अंडर में रख दिया परचेज अकाउंट, तो वो भी आपका इसके ट्रेडिंग लेजर की कैटेगरी में आएगा। अब मान लीजिए ये तो हमने परचेज करी है, तो इसी तरीके से हम इस इलेक्ट्रिकल गुड जीएसटी 12% को सेल भी करेंगे, तो जब हम सेल का लेजर यहां पर बनाएंगे और उसका जब हम अंडर ग्रुप हम रखेंगे यहां पर सेल्स काउंट, जब हम सेल काउंट के अंडर में जो हम लेजर क्रिएट करते हैं तो वो भी हमारा ट्रेडिंग लेजर की कैटेगरी में ही आता है। तो दोस्तों ये हमने परचेज वाउचर की एंट्री हमने कंप्लीट कर दी। तो अब ये एंट्री कंप्लीट होने के बाद में इसके ट्रेडिंग के लेजर हमें कहां पर शो होते हैं, वो होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट हमें कहां दिखाई देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। Alt F1 के साथ डिटेल ओपन करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो हमने इस परचेज वाउचर की जब एंट्री करी तो हमने दो लेजर क्रिएट किए, तो कुछ प्रोडक्ट हमारे पास जीएसटी 12% के थे और कुछ प्रोडक्ट 18% के थे। तो ये जो लेजर हमने क्रिएट किए इलेक्ट्रिकल गुड जीएसटी 12% परचेज का और ये 18% परचेज का, ये ट्रेडिंग लेजर की कैटेगरी में आता है। तो इसी तरीके से जब हम सेल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सेल का भी लेजर क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिकल गुड्स जीएसटी 12% सेल का, इलेक्ट्रिकल गुड्स जीएसटी 18% सेल का, तो वो भी हमारा अंडर रहेगा सेल काउंट में, तो वो भी हमारा ट्रेडिंग लेजर की कैटेगरी में आता है। अब बात आती है अभी ट्रेडिंग अकाउंट। तो दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट का जो परफॉर्मा होता है वो पूरा डिटेल होती है, उसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज, इस साइड में सेल, फिर क्लोजिंग स्टॉक, तो ये जो पूरा डाटा होता है ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है पर्टिकुलर एक कॉमोडिटी का। तो अब ये एक तरीके से हम इसको ये कह सकते हैं ये भी हमारा पूरा ट्रेडिंग अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, अभी तक सेल हमने नहीं करी है, तो ये एजीटी जी हमारे पास सारा स्टॉक बचा हुआ है, तो इसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। लेकिन ये जो हमने लेजर क्रिएट किए हैं तो ये हमारे ट्रेडिंग लेजर बने हैं। अब इसके अंदर आपकी जीएसटी 5% की भी परचेज हो सकती थी, 12 की, 18 की, 28 की या टैक्स फ्री की। तो ये जो पांच टाइप के लिए जो लेजर बनते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट कहलाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दे के जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।